परिवार के लिए, बच्चों के लिए पैसा कितना देना है हमारे ग्रंथों में बताया। आपने जीवन में एक रुपया कमाया है तो बच्चों को एक रुपये में से 20 पैसा देने का ही अधिकार है। 20 पैसा यानी जो आपने कमाया उसके 5 हिस्से करना है एक ऐसा परिवार के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक हिस्सा, एक हिस्सा कुछ ऐसा जिससे आपकी आवक बनी रहे, एक हिस्सा व्यापार के लिए, एक हिस्सा तीर्थ यात्रा के लिए, एक हिस्सा कुछ धर्म के लिए, एक हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए, वृद्धावस्था के लिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में ये बोले। लेकिन स्थिति तो ऐसी है जीवन भर कमा करके दिया उसके तत्पश्चात गवर्नमेंट पेंशन देती है उसको भी बच्चे ले लेते हैं। ले क्या लेते हैं आप, दे देते हैं आप, बच्चों को संस्कार दीजिए, सभ्यता दीजिए उन्हें। लोग आते हैं चरण छूने में उन्हें लाज लगती है, खड़े होते नहीं है, प्रणाम करते नहीं है, पता नहीं कौन सा युग आ गया है। आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। आने वाला व्यक्ति भी सोचता है ईश्वर परमात्मा तुमने इस आदमी को इतना कुछ दिया, इसको एक लायक संतान दे देते तो तेरी कितनी बड़ी कृपा होती। बातें हो सकता है कि मेरी उतनी आपको बढ़िया अच्छी न लग रही हो, ये फोन सुना जल्दी, लेकिन यह देवी भागवत की जो कथा इशारा कर रही है अपने बच्चों को सभ्य बनाइए,